नागौर जिले के मेड़ता सिटी से गुजरने वाले हाईवे पर लगातार सड़क हादसे, नियमों के अनुरूप सड़क नहीं होने के बावजूद वाहनों से टोल वसूला जा रहा है। वहीं टोल कर्मियों के अभद्रता के मामले में मेड़ता निवासी डॉक्टर अशोक चौधरी ने जनहित याचिका स्थायी लोक अदालत में पेश की है। इस पर कोर्ट ने जिला कलेक्टर सहित हाईवे से जुड़े अधिकारियों की कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हाईवे को बनाने वाली GVR कंपनी के रोड निर्माण में बरती गई लापरवाही का चिट्ठा पेश किया है। आपको बता दें, रिपोर्ट में हाईवे को अधूरा बताते हुए इसके सभी 18 जंक्शन को खतरनाक बताया गया है। कमेटी ने माना कि नेशनल हाईवे 148 किलोमीटर का बनना था, मगर GVR कंपनी ने 112 किलोमीटर का ही बनाया, यानी 36 किलोमीटर का हाईवे कम बनाया गया है। इस पर 6 बाईपास बनने थे, लेकिन 3 ही बने हैं, पुष्कर बाईपास, रेड बाईपास और इनाड़ा बाईपास आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। रेड में रेलवे फाटक पर ROB भी प्रस्तावित था, जो कि नहीं बना। इस मामले पर कोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ता डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि NH 89 पर नियमों को ताक पर रखकर टोल वसूली की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल 148 किलोमीटर की रोड बनानी थी और इसे अजमेर जयपुर हाईवे से लेकर और नागौर के बाहर तक छोड़ना था, और इस पूरे निर्माण प्रक्रिया में इनको कई सारे पुलिये बनाने थे, कई सारे इनको साइड में सड़कों का निर्माण करना था, लेकिन इन लोगों ने मात्र 112 किलोमीटर का निर्माण करके काम को बीच में छोड़ दिया। और कई जगह पर इन्होंने जहां बाईपास बनाए, वहां सुरक्षा के मानकों पर ये खड़े नहीं उतरे, और कई जगह इन्होंने बाईपास बनाए भी नहीं, बसों को साइड में खड़ा करने के लिए जगह बनानी थी वो नहीं बनाई, और इनको जितने सुरक्षा के लिए वाहन खड़े करने चाहिए थे वो वाहन भी इन लोगों ने खड़े नहीं। हमने इस बात को लेकर ये याचिका लगाई कि जब आपने निर्माण पूरा ही नहीं किया तो आपको किस आधार पर वसूल रहे। तो इन लोगों ने अपनी दलीलें दी और उसमें बार बार ये गलत दलील दी कि इन्होंने अपनी तरफ से निर्माण पूरा करा दिया है, तो हमने कागजों के माध्यम से साबित कर दिया कि निर्माण अभी तक आधा भी पूरा नहीं। इस सड़क के लिए अभिनव रास्ता ने लोक अदालत में कार्यवाही की थी। टोल टैक्स को लागू होने को लेकर भी बंद किया जाए, अभी इसके लिए सड़क पूर्ण रूप से सही नहीं है और जनता से पैसा नहीं लिया जाए, और कलेक्टर ने इसको स्वीकार भी कर लिया है और इस सड़क के लिए वास्तव में स्वीकार कर लिया कि यह सड़क अभी अधूरी है, जिसके लिए इसको घासे होते हैं, वारदात होती है, इनके स्वीकार होने के बावजूद भी आज सड़क दुरुस्त नहीं है। और स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी दल का हो, स्थानीय जन प्रतिनिधि की लापरवाही समझे या उनकी शिथिलता समझे, जिसके चलते यह मनमानी से इसका टोल टैक्स का चालू किया गया और राज्य सरकार मनमानी से यहाँ पर टोल टैक्स लागू करके बेखौफ होके, बेडर होके लागू कर दिया और अपना स्वार्थ निहित कर लिया। जबकि आए दिन यहाँ सड़क पर हादसे हो रहे हैं, व्यक्ति मर रहे हैं, उनको इस देश शहर की, इसके अपने नागरिकों की चिंता नहीं होती है, जिसके चलते आए दिन हादसे होते होती है और लोग मर रहे हैं।